अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराया है और उसका आपको स्टेटस चेक करना है, तो किस प्रकार चेक करोगे? एनरोलमेंट नंबर की मदद से आपके आधार में जो भी आपने अपडेट कराया उसका स्टेटस आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आपके मोबाइल या पीसी में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और इस पे UIDAI की वेबसाइट ओपन करने के लिए UIDAI आपको लिखना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप इंग्लिश क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे माय आधार पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कई ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको चेक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। आप चेक आधार स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर भी आपको चेक एनरोलमेंट अपडेट स्टेटस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर लगाने हैं। एनरोलमेंट नंबर आपको रसीद में मिलेंगे, जो रसीद आपको आधार सेवा केंद्र से मिली है। एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पे टाइप करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लगाना है। वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों जो शुरुआत के 14 अंक है आपके एनरोलमेंट नंबर के, जो शुरुआती 14 अंक है, वो आपको ऐसे के ऐसे ही टाइप करने हैं जिस प्रकार आपके पास प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जिस तारीख को आपने अपडेट करवाया था वो तारीख दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको ईयर लगाना है, उसके बाद में मंथ लगाना है, उसके बाद में डेट लगानी है। समय आपको बिल्कुल एग्जिट ऐसे ही दर्ज करना है जैसे उस एनरोलमेंट नंबर में दिखाई दे रहा है, उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप करना है। कैप्चा टाइप करने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके आप अपने आधार का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हो। जो अभी मैंने चेक किया है उसका आ रहा है दिस एनरोलमेंट इन इज प्रोसेस, यानी कि आपके जो आधार का अपडेट कराया था वो अपडेट अभी तक प्रोसेस में है और कुछ ही दिनों में आपके आधार में सुधार कर दिया जाएगा। धन्यवाद।